हाय फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा गीता किनू लाइफ लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से एक बहुत ही नया फेस पैक का वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ मसूर दाल जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में जो लोग भी अपना रंग साफ करना चाहते हैं कालापन आ गया किसी वजह से वो इस पैक को अगर यूज करते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी रंग भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा अगर कालापन आ गया किसी वजह से दाग धब्बे हैं पिगमेंटेशन वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस पैक को मैं खुद अपने ऊपर लगा के आपको दिखाने वाली हूँ इसका रिजल्ट जो है वो आप लाइव देखेंगे तो आई तो आइए देख लेते हैं इस पैक को बनाते कैसे हैं यूज कैसे करते हैं तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने ले ली है लाल वाली मसूर दाल बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी दाल तो दो तरह की होती है मसूर दाल एक काली वाली एक लाल वाली तो आपको लाल वाली लेनी है जिस तरीके की मैं दिखा रही बिना छिलके वाली होती है ये तो इसको आपको क्या करना है पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेना है तो यहाँ पर मैंने पाउडर तैयार कर लिया ये है ये दरदरा पाउडर है एकदम बारीक नहीं होगा जब इसे पीसेंगे तो हल्के हल्के दाने फील होंगे और इस तरह का ही पाउडर आपको चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है तो अब मैं क्या करूँगी पैक बनाने वाली हूँ तो एक चम्मच भर के मैं ये मसूर दाल का पाउडर ले लेती हूँ अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल का आटा चावल का आटा नहीं है आपके पास तो चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके छान लीजिए चावल का आटा तैयार हो जाएगा साथ ही मैं इसमें डालूँगी मुल्तानी मिट्टी अभी गर्मियाँ आ रही हैं गर्मियों में क्या होता है कि हमारे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत लोगों की ऑयली स्किन है तो ये ऑयल निकाल देती है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको इसमें मैंने डाला है शहद जो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करेगा और साथ ही हम गुलाब जल डालेंगे यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है तो गुलाब जल आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ग्लो लेकर आता है आपकी स्किन में तो इसकी जगह आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है अगर कच्चा दूध भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते दही इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपका स्किन वाइटनिंग में बहुत ही अच्छा मदद करता है तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छा ही अच्छा ये हमारा पैक तैयार हो जाएगा आपने देखा कितना आसान है घर की चीज़ों से ये पैक तैयार हो जाता है कोई आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इससे ही आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है कोई आपको मार्केट से कुछ नहीं लाना कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है जब मैं हूँ तो अब मेरे होते हुए आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है इसी पैक से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ही गाढ़ा लग रहा था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मैं इसे आसानी से अप्लाई कर पाऊँ और अप्लाई करते टाइम आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है ये हर वीडियो में मैं बताती हूँ अगर बोलेंगे तो झुरियाँ पड़ जाएंगी तो इसलिए मुंह को बंद रखें और इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देते हुए इस पैक को अप्लाई करें ध्यान से देखिए वीडियो को किस तरीके से मैं अप्लाई करूँ सेम इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है यहाँ पे मैंने फेस पे और नेक पे दोनों पे इसे अप्लाई कर लिया है इसे मैं सूखने दूंगी अच्छे से सूखने देंगे तभी इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा तो इसे फिलहाल मैं सूखने देती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है तो यहाँ पे जो पैक है वो बहुत अच्छे से सूख चुका है अब इसे करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ मैंने हाथों में पानी लगाया है और पानी से मैं इसे हल्का हल्का स्क्रब करने वाली हूँ बहुत तेजी से आपको नहीं स्क्रब करना है नहीं तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है वीडियो की स्पीड में हल्की से तेज कर देती हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि शायद मैं तेज़ करी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से स्क्रब करना है जैसे आप कोई भी स्क्रब यूज़ करते हैं और जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है जहाँ पे डैमेज है जहाँ पे दाग धब्बे फिग्निशन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना है और अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं तो वहाँ नोज़ एरिया पे भी आपको ज़्यादा रगड़ना है चिन एरिया पे और जहाँ पे आपको कालेपन की प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रब करना है नेक पे कर रही हूँ मैं नेक पे भी बहुत लोगों की गर्दन काली होती है फेस साफ़ होता है तो नेक को भी ये बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है तो इस तरीके से हल्का हल्का पानी लगाते हुए आपको स्क्रब करना है सूखा नहीं होना चाहिए सूखा होगा ना तो आपकी स्किन छिल भी सकती है तो हल्का हल्का पानी लगाइए और इस तरीके से अपने पूरे फेस को स्क्रब करिए ये देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ नोज़ को कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं अगर ऑयली स्किन है तो पूरे टी जोन एरिया में आपको स्क्रब करना है और चिन एरिया के पास काफ़ी वाइट हेड्स वगैरह होते हैं अब मैं इसे आपको ना यहीं पे क्लीन करके दिखा रही हूँ बिना धोए हुए तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है एक बार में ही और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है ये देखिए मैं आपको कोई फेस धोने नहीं गई हूँ मैं आपको ऐसे ही इसे पोछ के दिखा रही हूँ ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है और आप मेरी स्किन में ग्लो देख सकते हैं एक बार में कितना अच्छा ग्लो आया इस तरह के पैक में हमेशा कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और तभी मेरी जो स्किन है वो इतनी ग्लोइंग है तो मैं फ़िलहाल फ़ेस वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आप मेरी देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से फ़ेस को वॉश कर लिया है और खाली पानी से कोई मैंने साबुन या फेस वॉश नहीं यूज़ किया है और आप रिज़ल्ट मेरे देख सकते हैं मेरे फ़ेस के ऊपर कितना अच्छा रिज़ल्ट आया कितना अच्छा ग्लो आया है तो इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फेस के ऊपर कभी भी मैं केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि इस तरह के फेस पैक वगैरह यूज़ करिए आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो कैसा लगा आज का ये वीडियो था ना इंटरेस्टिंग तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि इस तरह की बहुत सारी नई नई वीडियोज मैं लेकर आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड स्किन केयर और हेयर केयर डी आई वाई हॉल मेकअप बहुत कुछ आता है मेरे चैनल पे अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही एक नोटिफिकेशन होगी उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ टिल देन गुड बाय